हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक, दैट इज़ द प्रोटेक्शंस ऑफ द प्लांट वेराइटी एंड द फार्मर राइट्स एक्ट 2001। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, ये भी पूछ लिया जाता है जनरली एग्जाम में, तो इसके बारे में आज अपन इसको पूरा देख लेंगे। द प्रोटेक्शंस ऑफ द प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट जो 2001 है वो अप्रूव हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2004 के अंदर। ये अक्टूबर के अंदर अप्रूव हुआ था और ये जो फोर्स में आया था, कमिंग टू द फोर्स एंड इफेक्ट, जनवरी 2005 के अंदर, मतलब अक्टूबर में हुआ था तो ये जनवरी 2005 के अंदर आया था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कमिंग टू फोर्स कब आया था, 2005 जनवरी में, और जैसे अप्रूव कब हुआ था तो 2004 में, और इसका नाम तो 2001 है। इसके मेन फीचर्स क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इसका मेन फीचर्स, इसके अंदर पर्पज क्या है, इसका पर्पज है टू एस्टैब्लिशमेंट एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द प्रोटेक्शन प्लांट वेराइटीज फार्मर राइट्स एंड द प्लांट ब्रीडर। इसके अंदर ये इफेक्टिव सिस्टम बनाता है कि जो फार्मर्स में कोई किसी का वॉयलेंस नहीं करे, ठीक है, किसी की राइट्स का वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, ब्रीडर्स के भी नहीं होना चाहिए, फार्मर्स के भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। टू रिकॉग्नाइज द प्रोटेक्ट फार्मर्स राइट्स टू देयर कंट्रीब्यूशंस टू कंजर्विंग, इंप्रूविंग एंड मेकिंग द अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज टू डेवलपमेंट द न्यू प्लांट वेराइटी, ठीक है। अब ये क्या है कि टू स्टिमुलेट द रिसर्च, अब जो है टू स्टिमुलेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू वेराइटी, जिसके अंदर जो है इंकरेज हो, ठीक है, ब्रीडर कि यार मेरे राइट्स हैं जो मेरे पास में है। टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द सीड इंडस्ट्री इन द कंट्री टू इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द हाई यील्डिंग सीड टू द फार्मर। तो इसके लिए इसका मेन पर्पज ये है। इसके बाद में इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, कौन कौन बैठता है इसके अंदर, द अथॉरिटी कंसिस्ट चेयरपर्सन इज कॉल्ड एज अथॉरिटी, जो इसकी अथॉरिटी होती है उसके अंदर चेयरपर्सन बैठता है। इसके अंदर जो है 15 पर्सनल मेंबर होते हैं। पहला होता है एग्रीकल्चर कमिश्नर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर कमिश्नर होता है वो होता है, DDG होता है ICAR का, जॉइंट सेक्रेटरी होता है सीड का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हॉर्टिकल्चर कमिश्नर होता है, डायरेक्टर होता है NPBGR का, वन मेंबर ऑफ द ईच, नॉट बिलो द जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे नहीं होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ जस्टिस एंड द कंपनी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच नॉमिनी सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, सीड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड वुमन ऑर्गेनाइजेशंस एंड द टू नॉमिनी रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट। तो इतने सारे इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं, लेजिस्लेटिव इसको स्ट्रक्चर से। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटी फार्मर राइट्स अथॉरिटी लोकेटेड एट द पूसा कैंपस, जो नई दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके अंदर कौन कौन सी जो प्लांट जो मटेरियल आ सकते हैं वो है, सेल्फ पोलिनेटेड की अगर कोई प्योर लाइन है, ठीक है, वो आ सकती है, मल्टी लाइन वेराइटी है वो आ सकती है इसके अंदर, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर कोई ओपन पोलिनेटेड वेराइटी है या सिंथेटिक है या कंपोजिट है, ठीक है, वो आ सकती है इसके अंदर, न्यू वेराइटी अगर कोई है क्लोन, जो क्लोन से निकली गई है वो है, ठीक है, क्लोनल प्रोपोगेट स्पीसीज आ सकती है, सिंगल थ्री वे क्रॉस डबल हाइब्रिड क्रॉस जो भी है, ठीक है, इनब्रिड्स पेरेंटल लाइन हाइब्रिड वेराइटीज़ वो आ सकती है, ठीक है, ट्री फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड वाइन्स वगैरह ये आ सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चंस यहाँ से आएगा, क्वेश्चंस यहीं से बनेगा, क्वेश्चंस आएगा रजिस्ट्रेशन के अंदर इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट्स। सबसे पहले ये देखना है कि नोवल्टी, इट रिफर्स टू द न्यूवेस्ट ऑफ वेराइटी, ये न्यूवेस्ट होनी चाहिए, पहले से उठा के ऐसे में डालना, पहले वाले उठा के लेके आ गए, और ये सबसे पहले है कि ये जो है नोवल्टी होनी चाहिए, इसके अंदर न्यूवेस्ट होनी चाहिए। फिर यह डिस्टिंग्विनेंस, इसके अंदर क्या है कि एक करेक्टरिस्टिक्स ऐसा होना चाहिए जो डिफरेंट हो, एटलीस्ट वन करेक्टरिस्टिक्स जो होता है डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक वेराइटी, मतलब एक प्लांट इतना बढ़ जा रहा है, एक छोटा जा रहा है, एक इतना बढ़ जा रहा है, एक इतना जा रहा है, एक इतना जा रहा है, मतलब हाँ क्रॉस पोलिनेटेड में हो सकता है, कंपोजिट वेराइटी में टोटल यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पर एक लिमिट के लिए, द रिफर्स टू द सेम पॉपुलेशन ऑफ वेराइटी इन क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज, द रेंज ऑफ वेरिएशन शुड बी विद इन द टॉलरेंट लिमिट, जो टॉलरेंट लिमिट है उसके अंदर में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस उसकी वेरी कर रही है, तो इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब ऑप्शन में क्या करेगा, नोवल्टी, इसमें से एक क्वेश्चन वो छुपा देगा इनमें से कौन सा नहीं है, और ऐसा छुपाएगा कि पता भी नहीं चलेगा, ध्यान रख लेना, नोवल्टी, डिस्टिंग्विनेंस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, ये चार इसके अंदर ध्यान रखना। उसके बाद में पीरियड भी पूछ सकते हैं, पीरियड कितना होता है, एनुअल्स जो क्रॉप होती है उसके लिए 15 साल होते हैं, बाइनियल्स होती है उसके लिए 18 साल के लिए उसको देते हैं ब्रीडर्स को। अब ब्रीडर मेहनत कर रहा है तो उसको कुछ राइट्स दे रहे हैं इस एक्ट के अंदर, ठीक है। अब फार्मर राइट्स क्या दे रहे हैं, फार्मर्स को बोल रहे हैं कि आप जो सीड है उसको सेव कर सकते हो, उसको आप यूज़ में कर सकते हो, कुछ भी आप उसकी सोइंग कर सकते हो, आप उसको वापस भी सोइंग कर सकते हो, रीसोइंग भी कर सकते हो, आप एक्सचेंज कर सकते हो दूसरे के साथ, ठीक है, आप शेयर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, पर हाँ सबसे मेन चीज़ है कि फार्मर ऐसा सेल नहीं कर सकता कि कोई वेराइटी समझ लो MPMA 17, तो ऐसे नहीं सेल करता MPMA 17 वेराइटी सीड ले लो, ऐसे करेगा तो फिर वो उसका मतलब गलत चीज़ है, ठीक है, वो मतलब ऐसे सेल कर सकता है कि यार मेरे पास ये सीड पड़े हैं ये ले लो, ठीक है, मतलब ब्रांड से ऐसे वो उसको सेल नहीं कर सकता।
अब ब्रीडर्स के पास क्या राइट दिए गए हैं, ब्रीडर्स पास राइट दिए गए हैं कि वो जो है वो मतलब जो जिसके मतलब ब्रीडर पे अंडर में है वो ही तय करेगा कि उसको मतलब कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, कौन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, उसके कंट्रोल में होगा। अगर वो चाहे तो किसी को दे भी सकता है राइट्स कि तू यार तुम कर ले, ठीक है, वो परमिशन दे सकता है, तो उसके पास ये राइट्स होते हैं। क्योंकि एक प्लांट ब्रीडर जो अपने लगभग ज़िंदगी के पता नहीं कितने साल उसके अंदर अगर मतलब खपा देता है उसके अंदर, तो उसके पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए कि यार वो मतलब उसके अंदर वो इनक्रेज हो कि मैंने अगर डेवलप कर ली तो मेरे पास इतने पैसे होंगे, ठीक है, मेरे पास में ये राइट्स होंगे। तो इसलिए ये प्रमोट करने के लिए ब्रीडर को ये जो है एक्ट आया है, ठीक है। अब इसके बाद में ये भी होना चाहिए कि ये हार्मफुल नहीं होना चाहिए एनिमल्स के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, अगर ऐसा है तो ये इसके अंदर अलाउ नहीं की जाएगी, ठीक है। फिर इसके अंदर ऐसा भी है कि अगर जो उसने जो लिमिट्स दिए अगर वो प्रोपोगेट मटेरियल परफॉर्म करने के लिए फेल हो जाता है तो फार्मर उसको क्लेम भी कर सकता है कि ठीक है ये तूने क्या गलत कैसे दे दिया, ठीक है। इसके लिए पेनल्टी भी डिसाइड की गई है कि देखिए 50,000 से 5 लाख रुपए तो ये जुर्माना है और प्लस 2-3 साल की सज़ा भी है, ठीक है, 20 लाख तक का भी जुर्माना अगर इसके अंदर क्या दिया है, पेनल्टी फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस, ठीक है। अब 3 साल की सज़ा आ गई इसमें और ये देखिए 2 लाख से लेकर 20 लाख तक का जुर्माना है। तो ये छोटा सा अपना डिस्कशन था आज का, ठीक है। वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है ये प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001 है। इसके अंदर क्या किया गया है कि जो ब्रीडर्स है जो सीड, इसके अंदर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इंक्रेज द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू वेराइटी एंड प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। जो प्लांट्स के अंदर जो ब्रीडर है उसको पर्टिकुलर राइट्स दे रहे हैं ताकि वो वैरायटी और ज़्यादा ग्रो करे, इसका पर्पज अपन ने डिस्कस कर लिया था क्या होता है। फिर इसके अंदर कौन कौन बैठता है, उसके अंदर अथॉरिटी का जो चेयरमैन होता है, ठीक है, वो उसका चेयरमैन होता है, बाकी एग्रीकल्चर कमिश्नर बैठता है, DDG बैठता है, जॉइंट डायरेक्टर बैठता है, हॉर्टिकल्चर कमिश्नर बैठता है, डायरेक्टर बैठता है NPPGR का, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर बैठते हैं। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है ही है, पर इसका जो कुछ भी वैरायटी आप कंपोजिट लेके आओ, प्योर लाइन लेके आओ, ठीक है, डबल क्रॉस, सिंगल क्रॉस, थ्री वे क्रॉस, कुछ भी लेके आओ, इसके अंदर अलाउ है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे क्वेश्चन यही से आएगा, नोवल्टी, डिस्टिंगविनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी, ये इसके अंदर चार होने चाहिए। पीरियड इसका 15 साल के लिए, एनुअल्स के लिए, बाइनल्स के लिए जो 18 साल है, ठीक है। और फार्मर्स को राइट्स है कि वो सेल कर सकता है, रीसोविंग कर सकता है, सोइंग कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, शेयर कर सकता है ये, पर उसको ब्रांड की तरह नहीं सेल कर सकता। और जो ब्रीडर्स है उसके पास में होता है कि वो कौन प्रोड्यूस करेगा, उसको सेल कहाँ करनी, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, वो सब उसका राइट्स में होता है, जो लिमिट्स दे रखी है, ठीक है, 18 साल, 15 साल उसके अंदर में। और फिर बाद में जो है वो उसको अगर फेल हो जाती है परफॉर्म करने के लिए तो वो उसको क्लेम भी कर सकता है, ठीक है। और पेनल्टी भी जो इसके अंदर है, अगर कोई दूसरा अगर प्लांट ब्रीडर्स के राइट को होता है तो वो सीधा जेल में जाएगा, ठीक है। तो ये आज का डिस्कशन था, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।